हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हब पर, और मैं हूं आपका नया एजुकेटर मयंक। तो दोस्तों आज पढ़ते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम देखते हैं हमारे एक्लिप्स यानी कि ग्रहण। दोस्तों हम सब जानते हैं कि ग्रहण हमारे दो तरह के होते हैं, पहला होता है हमारा चंद्र ग्रहण और दूसरा होता है सूर्य ग्रहण। तो पहले देखते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, जिसको हम लूनार एक्लिप्स कहते हैं। यानी कि चंद्र ग्रहण, दोस्तों चंद्र ग्रहण क्या है? चंद्र ग्रहण की स्थिति हम सब जानते हैं कि पृथ्वी और चांद दोनों को ही प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। यानी कि दोनों जो प्रकाशित होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। और सूर्य ग्रहण हम पढ़ते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हमारी पृथ्वी हमारे चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाती है। यानी कि स्थिति अगर हम इस तरह से समझें कि हमारा ये सूरज हो गया और ये हमारी अर्थ हो गई और ये हमारा मून हो गया। तो दोस्तों जब हमारे सन और अर्थ और ये हो गया हमारा मून, तो दोस्तों जब हमारे चांद और सूरज के बीच में हमारी पृथ्वी आ जाती है तो हमारी चंद्रग्रहण की स्थिति होती है। चंद्रग्रहण की स्थिति हमेशा हमारे एक महीना होता है 30 दिन का, इसमें एक पूर्णिमा आती है। तो चंद्रग्रहण की स्थिति हमेशा पूर्णिमा को होती है। दोस्तों होता क्या है कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की ही घूर्णन गति हमेशा समान रहती है। तो सूरज का जो प्रकाश चंद्रमा और पृथ्वी पड़ता है वो हमेशा केवल एक ही भाग पर पड़ता है। तो इस वजह से चंद्रमा जो हमारा है सैटेलाइट है तो इसका हमेशा केवल एक ही भाग प्रकाशित होता है। अब यह प्रकाशित भाग ही जब पृथ्वी को संपूर्ण दिखाई देता है तो वो चंद्रग्रहण की स्थिति होती है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग जिस दिन दिखाई देता है वह पूर्णिमा होती है। अब दोस्तों पूर्णिमा के दिन ही चंद्रग्रहण पड़ता है हमारा। तो चंद्रग्रहण की स्थिति अगर हम देखे जाए तो चंद्रग्रहण में यानी कि अगर पूर्णिमा को देखा जाए तो पूर्णिमा के हिसाब से पूर्णिमा हर महीने आती है, हर महीने चंद्रग्रहण नहीं लगता। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो हमारा चंद्रमा है और पृथ्वी, एक तो इनकी घूर्णन गति हमेशा समान है और जो हमारा चंद्रमा है वो अपने अक्ष पर 5 डिग्री आगे की तरफ झुका हुआ होता है। तो दोस्तों जब पूर्णिमा हर महीने पूर्णिमा जब आती है तो चंद्रमा जब ये दोनों पृथ्वी और चंद्रमा एक ही अक्ष पर होते हैं तो एक अक्ष में एक सीधी रेखा में आने के बाद चंद्रमा अपने कोणे झुकाव के कारण हल्का सा आगे झुक जाता है। तो आगे झुकने के बाद यानी कि जो सूरज की और पृथ्वी की जो परछाई होती है चंद्रमा आगे झुकने के बाद उस पर नहीं आ पाती तो वो सीधा रोशनी में जाता है, प्रकाशित हो जाता है। तो दोस्तों हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण इसलिए नहीं लगता। लगता कब है? जब केवल एक सीधी रेखा में हमारे पृथ्वी और चंद्रमा आते हैं, सीधी रेखा। दोस्तों ग्रहण के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो एक हमारे सामने एक वर्ड आता है यति और व्युति। ये चीज़ होती है दोस्तों कंजक्शन। यति और व्युति क्या चीज़ है? इनका मतलब है जुड़ाव। यानी कि जब सूरज अर्थ सूरज पृथ्वी और मून यानी कि चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, चाहे इसमें पृथ्वी आगे हो या चांद आगे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसको कहा जाता है युति व्युति। दूसरे शब्दों में इसका एक नाम और है जिसको कहा जाता है सिस्की। सिस्की भी दोस्तों यही होता है कि जब हमारी एक ही सीधी रेखा में हमारा सन अर्थ और मून होता है, ठीक है। अब सिस्की में युति व्युति को देखा जाए तो युति और व्युति क्या चीज़ है? दोस्तों व्युति जो होती है इसको कहा जाता है हमारे चंद्र ग्रहण के अंदर, यानी कि जो व्युति की स्थिति होती है वो केवल चंद्र ग्रहण में होती है। चंद्र ग्रहण और दोस्तों व्युति यति जो होती है यति होती है केवल सूर्य ग्रहण के अंदर। अभी सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण कब आता है? अब दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि चंद्रमा का केवल एक प्रकाशित भाग ही हमें एक दिन दिखाई देता है तो इसका उल्टा भी होता है, जो अप्रकाशित भाग होता है वो भी हमारे सामने आएगा। तो जब अप्रकाशित भाग हमारे सामने आता है यानी कि पृथ्वी की तरफ चंद्रमा का अप्रकाशित भाग होता है तो यह स्थिति होती है अमावस्या के दिन। अमावस्या पर हमेशा चांद कभी दिखाई नहीं देता क्योंकि जो हमारा सूरज होता है, होता क्या है जब सूरज होता है तो सूरज का प्रकाश पड़ता है हमारे चंद्रमा, अगर सूर्य ग्रहण। अब दोस्तों समझते हैं सूर्य ग्रहण क्या चीज़ है। तो सूर्य ग्रहण में दोस्तों क्या होता है कि हमारी पृथ्वी और सूरज के बीच में जब चांद आता है तो ये सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। ये मून हो गया और ये हमारा सन है और ये अर्थ हो गई। तो क्या होता है कि जब सन और अर्थ के बीच में चांद आता है तो जो चांद होता है वो सूरज की जो रोशनी होती है चांद के बीच में वाली वो अर्थ के पास नहीं पड़ती, यानी कि अर्थ के सामने चंद्रमा का अप्रकाशित भाग रहता है। यह स्थिति होती है केवल अमावस्या के दिन और इसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण।
यानी कि सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स ये केवल अमावस्या के दिन होती है। अब दोस्तों अमावस्या और पूर्णिमा, यानी कि पूर्णिमा हमारी चंद्र ग्रहण को डिनोट करती है और अमावस्या सूर्य ग्रहण को। अब अमावस्या और पूर्णिमा यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में एक दो पॉइंट और निकल के आते हैं, जो कि होते हैं हमारे ब्लू मून और ब्लड मून। ब्लू मून और ब्लड मून क्या चीज़ है? ब्लड मून और ब्लू मून, ठीक है। तो ब्लू मून पहले देखते हैं, ब्लू मून क्या चीज़ है। ब्लू मून से मतलब ये नहीं है कि हमारा जो चांद होता है, यानी कि हमारा ब्लू मून, चांद से मतलब ये नहीं है कि वह चांद जो होता है वो नीला हो जाए। क्या होता है कि ब्लड मून जब हमारी एक माह में, यानी कि एक महीने में, एक महीना 30 दिन का होता है लगभग, कोई कोई 31 दिन में भी होता है, तो यानी कि 30 दिन या 31 दिन इनमें अगर एक पूर्णिमा के बाद दूसरी पूर्णिमा इसी माह के अंदर आ जाए तो वो हमारी ब्लू मून की स्थिति होती है, ठीक है। अच्छा, अगर दोस्तों इस तरह से एक महीना हमारा ऐसे जाता है कि एक पूर्णिमा के बाद दूसरी पूर्णिमा आती है तो ये ब्लू मून की स्थिति होती है। लेकिन अगर एक महीने के बाद दूसरा महीना या तीसरा महीना भी ऐसे होता है जिसमें कि दो पूर्णिमाएं एक साथ एक महीने यानी कि 30 दिन के अंदर आएँ, तो ये पूरा साल ही ब्लू मून ईयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू मून ईयर, ठीक है। अब दूसरी चीज़ एक क्या होता है कि ब्लड मून। ब्लड मून जैसे कि ब्लू मून का संबंध पूर्णिमा यानी कि चंद्र ग्रहण से है, तो इसी तरह से ब्लड मून का मतलब अमावस्या यानी कि सूर्य ग्रहण से होता है। ब्लड मून के दिन केवल ब्लड मून से मतलब ये नहीं है, ब्लड मून को एक चीज़ और कहा जाता है कि इसमें रक्त मून भी कहा जाता है इसको, यानी कि तो इसमें होता है क्या है कि सन और अर्थ, यानी जब हमारी चंद्र ग्रहण पड़ता है और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, तो जो हमारी अर्थ होती है वो सूरज का प्रकाश पूरा चांद पे नहीं जाने देती, यानी कि चंद्रमा बिल्कुल, और जो हमारी अर्थ होती है बिल्कुल सीधी रेखा में होती है, तो सूर्य का प्रकाश चांद पर पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं पहुंचता, और इसमें जो हमारा मून होता है ये लाल लाल दिखाई देने लगता है। ये स्थिति होती है हमारी ब्लड मून की। ब्लड मून जो देखा गया था वो अप्रैल, इसमें अप्रैल 2015 में देखा गया था, इसके बाद 2018 में ब्लड मून की स्थिति नहीं हुई। और ब्लू मून की देखी जाए तो ब्लू मून हमारी जो जनवरी 2018 थी, इसमें 2 जनवरी को पूर्णिमा पड़ी और इसके बाद ही इसी महीने में 28 जनवरी को भी दूसरी पूर्णिमा लग गई। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारी जनवरी 2018 एक ब्लू मून की स्थिति थी, तो इस तरीके से 2019 में स्थिति नहीं देखी गई है, अब ये स्थिति केवल 2023 और 24 में देखी जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे जो एक्लिप्स यानी कि ग्रहण, जिसमें कि हमने आपके सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ब्लू मून और ब्लड मून को देखा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।